साइरा मैम, साइरा, सो वी विल स्टार्ट आवर मीटिंग विद ओमकारम। Sairam, Sairam, Sairam to all. Welcome to all of you in our meeting. Yes, so anybody can take initiative to discuss anything if you want to share. Yes, Anand Verma. Yes, ma'am. Yes, beta, mama is there. Yes. Yes, ma'am. Saira, ma'am. Saira, Saira, ma'am. Yes, ma'am. कैसा चल रहा है इसका अनंत वर्मा का? अच्छा चल रहा है, जो आप वर्क देती हैं वो कंप्लीट करता है और टाइम से मीटिंग भी अटेंड करता है गूगल मीट पे। यस मैम। साइरा, गुड इवनिंग। ओके, तो कुछ ऐसा आपको बाकी सब्जेक्ट टीचर से कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो, सो आप पूछ सकते हैं? नो मैम, तीनों सब्जेक्ट से चल रहा है, चारों सब्जेक्ट। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस साइरा, मरपेट, अर्पित, साइरा बेटा, मम्मी पापा साथ में बेटा कोई है? मैम, यस मैम, बात करा दीजिए बाकी टीचर्स के साथ। यस मैम, यस मैम। Yes, Arpit, beta, mama is here. Hello. Yes, ma'am. Beta, parents को बात करना है, ठीक है ना? बच्चे बैठे हैं माइक में। Unmute your mic, beta. Okay, till that we come to Devanshi. Devanshi, Saira. Saira, ma'am. Okay, एक मिनट बेटा Devanshi hold करना। Yes, Arpit की मम्मा दिख रही है। Yes, ma'am. Ma'am, Arpit का कैसा है result? बाकी जो भी subject teachers बैठे हैं आपको जिससे discuss करना है, feel free to discuss. नहीं मैम, मैं अभी एग्जाम हुए ना जो उसका पूछे कि इसका रिजल्ट कैसा है। अभी आपको मंडे ट्यूसडे तक बताएंगे, है ना? जैसे हमको अब वो किसके थ्रू, क्लास टीचर के थ्रू या हम ही को बताना है ये तो पता नहीं है, लेकिन बता देंगे। मैम, अर्पित को आप इंग्लिश में रीडिंग कराया करिए। हाँ, रीडिंग कराते थे मैं सबसे। मैम वो करता नहीं है घर पर, आज मैं शिकायत कर रही इनकी। अच्छा, कहाँ हो? हाँ, क्लास में रीडिंग कराने के बाद फिर बाकी आपको लेसन पूरा रीड करना है आपको, है ना? जितने लेसन हुए एक एक करके रोज रीड करना है। ऐसा नहीं है टेस्ट हो गया तो छोड़ना है, ऐसा नहीं। आपको वन से पूरा पढ़ना है, रीड करना है, सारे बच्चे सुन लो। ऐसा नहीं सिक्स लेसन फोर लेसन हो गया तो उसको छूना नहीं है, आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है अभी आगे, ठीक है? हेलो मैम। हाँ मैम, आज मैंने यथाभूमि, हेलो टीहू बेटा, मैम आज मैंने यथाभूमि, होल्ड फॉर 2 मिनट्स, नो ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद देन वी विल कम टू यू। टीहू बेटा एक मीट करो। यस मैम। ओके बेटा। मैम आज मैंने यथार्थ की भी शिकायत करी, इसलिए अर्पित की भी कर रही, दोनों एक दूसरे को देखकर पढ़ते ही नहीं गए। अच्छा, इसलिए कहा मैंने। अच्छा ठीक है,
मैम इससे कहिए और राइटिंग भी अच्छी करे, बिल्कुल नहीं लिखता है राइटिंग भी। चलो चलो मैम आप लोग भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव आप भी लीजिए। हम लोग तो ऑनलाइन में है, आप लोग सामने हो, आप लोग थोड़ा सा उनको और डांट सकते हैं। हम तो यहीं से डांट सकते हैं कि लिखना है, लेकिन कराना तो आपको वहां पे। आप जो मोबाइल पर ही डांट देती ना, उतने में ही उनको अच्छा लगता कि मैम ने डांटा है। हम लोग सारा दिन डांटते ना तो कुछ ऐसा नहीं होता है। सही है, दिन तो डांट नहीं, सच में मैम कुछ भी कहते रहो, लेकिन अगर आपने कह दिया ना तो वो कर लेंगे। सही है, सारा यही है। टीचर्स की बात का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सही है। ओके मैम, थैंक यू। यस देवांशी, सायरा, सायरा मैम, सायरा बेटा, यस मैम, कुछ आपको डिस्कस करना है, कुछ पूछना है सब्जेक्ट टीचर्स से? नो मैडम, सब कुछ चल रहा है देवांशी का। हेलो मैम, ऐसे नोट नहीं। ओके मैम, ओके थैंक यू। यस पीहू, सायराम, नाउ योर टर्न। पीहू, सायराम, पीहू, पीहू, माइक खोलो बेटा, माइक ऑन। पीहू, यस, हाँ लेफ्ट हो गई है वो मीटिंग से शायद। यस कविश, सायराम, सायराम सर, नमस्ते मैडम, नमस्कार। बढ़िया, अच्छा चल रहा है हमारे हिसाब से तो सब। अच्छी बात है, चलिए तो कि अच्छा चल रहा है तो बहुत ही कोई बात नहीं है फिर तो। पढ़ाई तो वो कमी करता है पर, लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से चल रही है कोई बुराई नहीं है। पढ़ाई सेटिस्फाइड है ना तो मैम, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड तो हमें आपके आपकी मेहनत से है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, दूसरे स्कूल के बच्चे कर, दूसरे स्कूल के टीचर्स नहीं कर रहे इतने। चलिए थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। और मैम आप जो 2 घंटे में जो करा पा रहे हो ना, वो हम 22 घंटे में भी नहीं करा सकते। आपके नाम से ही वो कर लेते हैं सब, और बढ़िया चल रहा है। बाकी तो बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, मस्ती करते हैं, कम पढ़ते हैं, धीरे धीरे रोलिंग में आ जाएगा आपको। बाकी तो पूरे सेटिस्फाई हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। यस सायरा अर्जुन, मैम माइक ऑन कर दीजिए। मैम माइक ऑन, सायरा मैम, सायरा मैं ही हूं सिर्फ। ओके मैम, इट इज फॉर यू ओनली। मैम एक्चुअली मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न था कि अर्जुन का इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब मैं उसकी वोकैबुलरी वगैरह थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहती थी तो। पर उसे पढ़ने में, मैंने जैसे साइंस वगैरह भी पढ़ाती हूँ तो उसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको इंग्लिश के जो वर्ड्स है मुझे लगता है उसे आने चाहिए, और वो नहीं पढ़ पाता है। उसको अभी से ना कोई रीडिंग हैबिट डालना पड़ेगा, है ना? रीड वो करता है, लाइक वो उसके भाई के साथ वो जो बुक्स आते हैं जैसे विम्पी किड्स वगैरह वो पढ़ता है, बट स्टिल उसको नहीं, कुछ वो, नहीं उसका लेवल का स्टोरी बुक्स थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, है ना? हाँ, छोटे से छोटा बुक से बड़े बुक में जाइएगा तो फिर अच्छा रहेगा उसके लिए भी। पहले से बड़ा मीनिंग समझ में नहीं आते हैं तो फिर वो बेकार है वैसा पढ़ना, लेकिन जो स्टोरी बुक्स है उस लेवल का वहां से शुरू कीजिए। क्लास मतलब एज 5 से वाला शुरू कीजिए, 5 to 8 वाला, ऐसे वाला लेवल का बुक्स लेके आइए फिर अच्छा रहेगा, है ना? वैसे ऑनलाइन में वो विकास बुक, विकास स्टोरी बुक्स है,
मीनिंग से भी ज्यादा मुझे ना उसका प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी लगती है कि वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है वर्ड्स को. हाँ, तो इसलिए छोटा बुक से ही शुरू कीजिए. ओके, छोटा बुक से ही शुरू कीजिए, है ना, बहुत ही छोटा बुक है, अर्ली स्टेज वाला से शुरू कीजिए, तब उसका सही हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. और मैम मतलब हमें घर पे कोशिश करेंगे हम भी कुछ. ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में वो रीड करके बताना है, इसका ये मीनिंग है. मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 मिनट का ही होगा, तो ऐसे टर्न बाय टर्न होगा, तो इनको भी थोड़ा सा लगेगा कि मुझे रीड करना है और इसका मीनिंग भी समझना है. तब ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे तो अपन ऑनलाइन में बहुत कुछ करा सकते हैं, पर उनका इम्प्रूव होना तो ऐसे हम कराएंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कुछ स्टोरीज भेजने का. ठीक है, उनका लेवल का, जो बहुत ही लो लेवल का, मैं लो लेवल मींस क्लास 1 का. ठीक है, ऐसे मैम. और अभी तो लोग तीन ही पहुंचे हैं. आप कौन बोल रहे हैं? मैं अर्जुन की मम्मी. क्लास 1 का लेवल अर्जुन की मम्मी बोल रहे हो ना? यस मैम, अर्जुन की मदर ही बात कर रही है भी आपसे. नहीं इस, हाँ, अच्छा हाँ ठीक है. तो हाँ, वो मुझे लगा कि कोई और भी बीच में बोल रहा है. एक्चुअली मैं सारे टीचर्स से ही मतलब एक ये पूछना चाहती थी कि हमें आप जो पढ़ा रहे हो उसमें हमें कितना मतलब करके लेना है बच्चों से, कि क्या क्या करके लेना है घर पे. मैम मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ. मैम जो भी जी मैम बताइए, क्लास में करवाया जाएगा हिंदी में. ओके, कोई काम मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगी अब. हाँ, सही बात है. उसी ड्यूरेशन में काम कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा. हाँ, कि बच्चा हाँ, उसी ड्यूरेशन में जब तक मैं जैसे कठिन शब्द बाकी बच्चे बोल रहे हैं तो बच्चा लिख ले, शब्दार्थ जब तक हो रहे हैं तब तक बच्चा लिखने की प्रैक्टिस डाल ले, इससे बच्चे की स्पीड भी बढ़ेगी. नहीं तो क्या हो रहा है कि बच्चे ये चाह रहे हैं कि यहाँ जितना हो पा रहा है बाकी हम आराम से घर में व्हाट्सएप के थ्रू मैडम भेज दे और वो लिखते रहे. स्पीड नहीं बढ़ पा रही है. प्लीज आप मोटिवेट कीजिए बच्चे को कि वो उसी ड्यूरेशन में, वो 40 मिनट के ड्यूरेशन में जितना काम हम करवा सकते हैं, जैसे क्लासेस में हम करवा सकते हैं वो उतना काम करते हैं. हाँ मैम, एक्चुअली आज मैं हिंदी की क्लास में उसके साथ ही बैठी थी, पर वो जितनी देर आपने वो स्क्रीन प्रेजेंट की थी ना उतनी देर में वो लिख नहीं पा रहा था. हाँ मैम, वही थोड़ा सा ना अभी है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको, बट ये कोशिश करेंगे तो हो जाएगा. ओके ओके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनकी स्पीड नहीं है अब. हाँ, स्पीड उसके नहीं है अभी उनकी. प्रफुल्लता हाँ. मैडम, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, रोज एक पेज लिखो, है ना, कम से कम 10 मिनट्स हो अपना डेडिकेट करके लिखे, मतलब बिना गलती का, तो फिर वो जल्दी कर पाएंगे बोर्ड से देख के जैसे लिखते हैं वैसे. कुछ भी करवाएं, जरूरी नहीं है टेक्सुअल हो, कोई भी चीज जो उनके लेवल का हो, 10 लाइन कम से कम करवाएं बच्चे से. बच्चे की रीडिंग इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है. अगर बच्चा रीड करने लगेगा तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स उसकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी. ओके मैम, थैंक यू. साइरा मैम, इन ईवीएस की बात कर रही हूँ. ईवीएस में क्वेश्चंस ऐसे क्लास में डिस्कस करती हूँ, बच्चों से भी आंसर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं विदाउट आंसर क्वेश्चंस दे देती हूँ ताकि बच्चे सोच के लिखें. उसे भी सोचना पड़ेगा ना, सोच कर लिखना है, तो उसके लिए मैं वैसे क्वेश्चंस भेज देती हूँ. और बस मैं बुक भी भेजा है, एक एक लेसन के मैं करके मैं भेज देती हूँ चैप्टर वाइज, तो उसको भी रीड करना है. okay, अभी okay, इसमें ईवीएस okay. में एक पुरानी बुक में नहीं है, एक कॉन्सेप्ट यूसेज ऑफ टॉयलेट, उसमें एक न्यू एडिशन है, तो वो भी मैंने इसको स्पेशली मैंने नोट डाल के दिया है, इसको रीड करना हमने डिस्कस भी किया है क्लास में. ठीक है,
थैंक यू मैम यस पीहू साइरा पीहू अनम्यूट योरसेल्फ साइरा मैम साइरा यस सर और कैसा चल रहा है इसका पीहू का सही चल रहा है आप लोग बताइए कैसा रिजल्ट है इसका बस रिजल्ट अभी आपको मंडे ट्यूसडे तक ऑफिशियली पता चल जाएगा उसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अदरवाइज बाकी किसी सब्जेक्ट टीचर से भी डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं मैम इस इंग्लिश में इसमें ज्यादा ध्यान दीजिए इंग्लिश में थोड़ा वीक लग रही मुझे मैं उदयम बोल रही हूँ पीहू जी मैम पीयू को रीडिंग करना पड़ेगा क्लास वन का लेवल के वहां से शुरू करना पड़ेगा है ना क्योंकि मुझे पता है वो बीच में बहुत मिस हो गया था उसका तो उसका कनेक्शन ही सब टूट गया था है ना अब ये जो छुट्टियां आई हैं उसमें भी इन लोग ऐसे कुछ रीड वगैरह नहीं किए हैं तो आपको जो करा रहे हैं उसको रीड करो लेकिन पीछे लेसन अगर आपके पास लास्ट ईयर के बुक्स भी रखे हैं उसको भी रीड कीजिए है ना इससे इसका कनेक्शन हो जाएगा ठीक है या फिर आप स्टोरी बुक्स ले सकते हैं कोई भी उससे भी आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा है ना मैम हेलो आजकल आप हाँ बोलिए ये कह रहा था कि बोलिए मैं सुन रही हूँ ये जनरल नॉलेज थोड़ा पढ़ाया करिए इन लोगों को ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया इन लोगों का जीके का अच्छा लैंग्वेज में सब मिक्स आता है आप चाहे हिंदी ले लो इंग्लिश ले लो उसमें कहीं ना कहीं जीके तो होता है हर लेसन के साथ वो अलग से अभी इनका जैसे गाइडलाइंस है दो क्लासेस लेना है इसलिए दो दो क्लासेस ले रहे हैं आगे ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे आपको बता देंगे है ना जी जी अलग से भी जीके लेने का कोई गाइडलाइंस नहीं है नहीं इनके सब्जेक्ट में था इसलिए मैं बोल रहा था सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है हम लोग जो उस लेसन से हमको पता चलता है कि हाँ ये भी उनको कराना चाहिए जीके में आ सकता है तो कोशिश तो कर रहे हैं ठीक है मैम ओके ओके थैंक यू सर यस अथर वर्मा साईराम साईराम मैम अथर का अच्छा तो चल रहा है बट ऐसा लगता है बीच बीच में सुस्त हो जाता है वो क्लास में रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता ये बस यस मैम नो मैम इस टाइप की आवाज आती नहीं, रिस्पॉन्स और पास रिस्पॉन्स करता है तो वो कितना ऐसे करता है नहीं नहीं जैसे मैथ्स में मैं ले रही हूँ तो कुछ एडिशन सम्स वगैरह बीच में देती हूँ तो उसका रिप्लाई करता है आंसर करके करता है और पर्टिकुलर आप किसी सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं बाकी करता है रिस्पॉन्स अभी तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली है उसमें बराबर उसको वो सब तो वो कंप्लीट करता है बट ऐसा लगता है मुझे कि क्लास में वो सुस्त पता नहीं बैठा रहता है कि क्या है रेस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है ढंग से पास जाके खड़े हो तो कहता है मम्मा यहाँ से जाओ आप मैं अटेंड कर रहा हूँ करने नहीं देता है खड़े नहीं होने देता है नहीं नहीं आंसर तो देता है इंग्लिश में तो देता है ऐसा कोई नहीं एक रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि बच्चे को ये आप बच्चे के साइड में जरूर बैठे क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कैमरा ऑफ कर लेते हैं जी मैम मैम ये अच्छा कि आपने आज जो श्रुति लेख और हार्डवर्ड जो सडन करवाए उनके वो अच्छा है तो बीच बीच में अगर उनके ऐसे टेस्ट भी हो जाए तो थोड़े अलर्ट हो जाए बच्चे मैं टेस्ट हर उनको पहले ही बता दिया था कि टेस्ट ले लूंगी और आपके पेरेंट्स चेक करेंगे और ईमानदारी से कितने नंबर आए मुझे 10 में से 10 वाले बच्चे या मुझे 4 वाले बच्चे कोई वो मतलब उससे मतलब नहीं है मेन चीज है लर्निंग हो रही बच्चों की सीख रहे बस यही है कि रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बच्चों को थोड़ा सा बगल में बैठेंगे तो कैमरा ऑन करके रखेंगे उसको बीच बीच में टोकते रहते हैं कि ऑफ मत करना मैं सुबह ही बोल देती हूँ उसको कि ऑफ मत करना कैमरा ऑन रखना लेकिन यस मैम नो मैम ऐसी आवाज आती है बस मुझे हाँ वो कैमरा ऑफ कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे
और बार बार बोल कि कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है। नहीं आज मैंने डिक्टेशन लिया था तो मैंने बोला कैमरा ऑन रखो है ना, और फिर वैसे जब ईवीएस में भी वो रिस्पॉन्स करता है, नहीं वैसे देता है आंसर, देता है आधार देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, बस यही पूछना था। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। यस दिशा प्रजापति, दिशा आर यू देयर? दिशा प्रजापति सब ठीक है। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम सब ठीक है। ओके मैम, ये शिवम रॉय, साई राम, शिवम, साई राम मैम, साई राम, शिवम अच्छे से पढ़ाई करता है, वो उसके पास बैठने आओ तो बोलता है अब चला जाओ मैं देख रहा हूँ, मैम है मेरे सामने, मैम देखता है। थोड़ा तो मैडम आप लोगों को घर पे वॉच रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं ये, तो हम उनको पूरा फ्री छोड़कर नहीं जा सकते हैं, बीच बीच में आपको राउंड तो लेना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से क्लास अटेंड कर रहे हैं। नहीं आता हूँ तो बोलता है मम्मी जाओ जाओ जो मैम है ना, मैम देख रहा है अब चला जाओ चला जाओ। नहीं नहीं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा सा आप साथ में बैठेंगे या बीच में ग्राउंड लगा के जाएंगे कि बच्चा प्रॉपरली अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो थोड़ा सा घर पे आप लोगों को वॉच करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके मैम। और बाकी आपको किसी सब्जेक्ट टीचर से पर्टिकुलर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश आता है मैम? इंग्लिश मैम से बोल रहे हो? साइरा मैम हाँ, हमको इंग्लिश आता है? आता तो सबको इंग्लिश आता है लेकिन ये क्या है, रीडिंग का जो फ्लुएंसी बोलते हैं ना वो आना चाहिए, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, लोग रीड कर रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लुएंसी होता है वो आना है अभी इनको, ठीक है, उसके लिए तो रोज रीड करना पड़ेगा, चाहे हर बच्चे को यही मैं कहती हूँ आप लोग रोज रीड करो, लेसन सिक्स तक भी हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लेसन वन से चाहे पोएम पढ़ रहे हो और रिसाइट कर रहे हो उसको भी याद करो और आगे लेसन को रीड करते जाओ, है ना, सेवेंथ में पहुंच गए तो 1-6 पढ़ो, एट में पहुंच गए तो 1-7 पढ़ो, तभी आपको वो फ्लुएंसी बना रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, या फिर आपके आपको हैबिट में डालना पड़ेगा कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ने का, ठीक है, तब ये फ्लुएंसी आएगा। शिवम सुन रहा है ना सामने? हाँ, हाँ आपको ये हर बच्चे के लिए है, हर बच्चे के पास एक इंग्लिश का और एक हिंदी का स्टोरी बुक होना चाहिए, और या तो आप स्टोरी में से भी आप लिख सकते हो थोड़ा, एक पेज डेली उसमें से लिखो भी और पढ़ो भी, तो आपको ये भी लगेगा कि चलो हम कुछ कोर्स बुक से अलावा कुछ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, हमेशा कोर्स बुक लेके बैठेंगे तो दिन भर तो यही पढ़ते हैं, नहीं तो बोर नहीं होना है, आप कुछ अलग नया चीज लेके पढ़ो, ठीक है, छोटा लेवल से शुरू करो, एज लेवल का अलग अलग बुक आता है, विकास स्टोरी बुक्स का है और भी एक दो बुक्स है, क्राउन में भी आता है पब्लिशर का, उसमें है बुक्स, ठीक है, उसको आपको मेरे पास है, तीन है तो उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, है बोल के नहीं, आपको यूज भी करना है, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया तो शुरू करो है ना, आप शुरू करो बेटा। हाँ थैंक यू, आपके पास बहुत सारा टाइम है, घर में हो, स्कूल आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, अभी
आप घर में ही बैठे हो, सिर्फ आपको 40-40 मिनट्स का वन मतलब सिर्फ एक घंटा और एक घंटा 20-25 मिनट ही आपको लगता है, मतलब डेढ़ घंटा ही आपकी पढ़ाई हो रही है ना, तो बाकी तो आप पढ़ो ना घर में, बहुत सारा समय है, सोने में टाइम वेस्ट मत करो अब, ठीक है। हर महीने ऐसे ही टेस्ट होगा, हम लोग कुछ भी देंगे, जरूरी नहीं है हाफ ईयरली। अब एक लेसन कंप्लीट हुआ, हम ऐसे ही टेस्ट ले लेंगे गूगल फॉर्म में, ऐसे ही आपको टेस्ट करना है। आज जैसे डिक्टेशन लिया, ऐसे हम रोज लेंगे, रोज या दो दिन में लेंगे 5-10 मार्क्स का, तो आपको स्पेलिंग करनी चाहिए तभी तो लिख पाओगे। यस, अंडरस्टूड? थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, इसने हेल्प साइरा। स्नेहल सायरा, आवाज नहीं आ रही आपकी? स्नेहल आवाज क्या आ रही? हेलो मैडम। यस सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा नेहल का कैसा गाना पढ़ाई चल रहा है? कैसा चल रहा है इसका स्नेहल का? इंग्लिश में तो ठीक है, अच्छा कर रही है। हिंदी में आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे, आज ही टेस्ट हुआ है, आपने खुद ही चेक किया है तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कितना कितना अच्छा किया है उसने। वैसे क्लास में अटेंड करें। ओके मैम, कुछ और पूछना है आपको? ये सम्राट सायरा, सम्राट जैन मैम, सायरा मैम, सायरा सर, सायरा सर। मैम ये करता तो है क्लास, अभी एग्जाम हुए इसके 6 मंथली, उसके बाद थोड़ा सा ये चाह रहा था कि ब्रेक मिल जाए, तो 2-3 दिन इसने क्लास अटेंड नहीं की, 2 दिन नहीं की शायद क्लास अटेंड। ओके ओके। और दूसरा एक ये लगता है कि ये सुबह से उठता तो है, क्लास के टेंशन लोड ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है इतना अटेंटिव नहीं हो पाता है सुबह सुबह क्लास में। अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा डिले कर दें आप लोग, मुझे लगता है स्कूल की पॉलिसी होगी, लेकिन अगर पॉसिबल हो कि थोड़ा सा डिले कर दें लोगों का क्लास टाइमिंग, तो इट विल बी मच बेटर स्मॉल किड्स। ओके, वी विल पास योर मैसेज टू प्रैक्टिकल कमिटी सर। या थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, एक बात मैं इंटरप्ट करूंगी, स्कूल 7:30 बजे लगता था तो भी बच्चे उठ के आते थे ना मैम, घर की बात और ये स्कूल की बात डिफरेंस है बहुत मैम, ये रात में बहुत कुछ होता है इसको। मैं भी कहना चाहती थी ये बात। कौन है? अच्छा अनिरुद्ध जैन की माँ। अच्छा ये क्योंकि ना एक एक घर में 2-2 बच्चे हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से टाइमिंग सेट किए हैं, तो वो तो अब देखिए कैसा होता है। मतलब मेरा ये था कि अगर एक प्रयास हो जाए कि शायद अगर 11 बजे हो जाए या 10 बजे हो जाए क्लास टाइमिंग, अदरवाइज मैम ये कैसे कर रहा है, रिस्पॉन्ड करता है कि क्लास? मेरा ऑफिस टाइम हो जाता है उस टाइम पे, तो मैं चला जाता हूँ और वाइफ जो है वो किचन वगैरह में लग जाती है, तो क्या करता है ये पता नहीं हम लोगों को। सर थोड़ा तो आप लोगों को ऐसे पेरेंट वॉच करना पड़ेगा सर। नहीं, रैंडमली तो हम लोग चेक करते हैं,
हम लोग इसको इंसिस्ट करते हैं कि तुम अपना कैमरा ऑन रखो, लेकिन ये जो है कैमरा ऑन रखता नहीं, पता नहीं क्या करता है, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो पेरेंट्स का वॉच तो जरूरी है कि क्या चल रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अदरवाइज टीचर्स तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट डाल ही रहे हैं, लेकिन ये पेरेंट्स का भी थोड़ा सा कोऑपरेशन रहे हम लोगों को, बीच में एक राउंड लगा ले मदर की हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि कैमरा ऑन रखो तो ये बार बार बंद कर लेता है, दो बेटा मैम सब ऑन करता है, इनको ऑफ रहता है जी, बिट्टू इधर आ रीडिंग के लिए बोलो तो ये और बिल्कुल म्यूट अनम्यूट करते ही नहीं है, म्यूट ही रखते रहते हैं, कैमरा ऑन रखना आप तो हैं बेटा, कैमरा ऑन रखना है तभी टीचर को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, यस मैम एक आदत है अर्ली टू स्लीप अर्ली टू वेक अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो ध्यान रखो है ना, हाँ जल्दी सोना जल्दी उठना और तो फिर आपकी बुद्धि बढ़ेगी है ना, हेल्दी भी रहोगे, सूरज उगने से पहले आपको बेड छोड़ देना चाहिए और रात को 9 बजे सो जाना चाहिए, इधर साथ मैं मुझे बात करनी थी, अनुरोध थोड़ी देर के लिए आप अपना माइक म्यूट करिए, वो बात हो जाए पूरी फिर आप अपना ऑन कर लीजिएगा, अनुरोध जैन नहीं ये अच्छी मतलब कोई प्रॉब्लम है तो देर से उठना अच्छी बात है, पर जल्दी जल्दी उठना और अच्छी बात है ना, हेल्दी रहेगा माइंड फ्रेश रहेगा, थोड़ा घूमने निकलो सुबह सुबह अपनी जगह में है ना, बाहर तो आना नहीं है लेकिन अपने इलाके में थोड़ा वॉकिंग वगैरह करो, फ्रेश एयर लो तो अच्छा है, आप भी मूड फ्रेश रहोगे, समर्थ सुन लिए बेटा है ना, 8:30 बजे तो उठ सकते हो ना, क्लास का टाइम 8:30 है तो आप 8 बजे तो उठ सकते हो, हैं? और रात कितने बजे सोते हो ये बताओ, मैम 10 बजे 12 बजे 1 बजे ऐसे सोता है मैम, सबको सुला तो फिर सबको सुलाने के बाद सोता है, सबको सुला के ये गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करना है, इससे आपके शरीर पे ही इफेक्ट होगा, आप हेल्दी नहीं रहोगे है ना, मैम इन लोगों का रिजल्ट 6 मंथली का कब तक आ जाएगा, हेलो आएंगे आपको कम्युनिकेट करेंगे, हाँ जी ठीक है, ओके थैंक यू मैम, ओके वेलकम सर, सम्राट जल्दी सोना है ठीक है बेटा, हेलो और जल्दी उठना है ना, नहीं तो बड़ी क्लास में जाकर आपको प्रॉब्लम जाएंगे बेटा, ये आदत डालना है ठीक है, और मंडे से क्लास रोज अटेंड करना भी ठीक है ना, ओके गुड गुड thank you ma'am, thank you Sairam sir, Maaz Khan Sairam ma'am, Maaz Khan ma'am, Anirudh ki mummy Maaz Khan is there, yes ma'am, yes Sairam ma'am, Sairam Maaz Khan yes. यस मैम कैसा चल रहा है इनका, ठीक चल रहा है मैम लेकिन वो रीडिंग नहीं कर पाता ठीक से, बेटू आप हमारे साथ बैठना जब मैम बुलाएंगे, अरे यार मुझे तुम्हारी पेंटिंग बननी थी, अरे रुको किस सब्जेक्ट में, हिंदी का इंग्लिश मैम आप वो दोनों की रीडिंग ठीक से नहीं कर पाता मैम, अच्छा आप लोग न्यू एडमिशन है क्या इसका, क्लास 1 में था इधर यही स्कूल में,
अच्छा क्लास टू में ज्वाइन किया है ना? अच्छा अभी, अरे मैम तो है ना, तुम फिर बैठोगी? नहीं मैम, ये अनिरुद्ध की मम्मी, प्लीज ऑफ कीजिए माइक। यस मैम। हाँ माइक ऑफ कीजिए। अच्छा मास खान की मम्मी, थोड़ा उसको है ना, आपके पास अगर एकदम प्री प्राइमरी बुक्स रखे होंगे इंग्लिश हिंदी के, तो आप उसको फिर से वहां से थोड़ा शुरू कीजिएगा। ठीक है, वहां से शुरू कीजिए, फिर आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है वो प्री प्राइमरी में जो पढ़ना है वो ठीक से कैच नहीं कर पाया, इसलिए बड़े क्लास में आके अब 3 इयर्स बाद, मतलब 1-2 भी निकल गया, थर्ड में आके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हाँ, इसकी ये प्रॉब्लम है, ये पिछला नहीं सीख पाया, इसको आगे का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये यही यही है, बच्चों का प्रॉब्लम यही है। केजी का जब कर नहीं पाते हैं तो फिर 1 में भी आ जाते, वो भी उनके लिए लोड पड़ा, फिर 2nd और लोड पड़ा, थर्ड में तो और लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, तो ऐसा कोई बात नहीं, कर लेगा। लेकिन प्री प्राइमरी क्लास का उसके पास जो छोटे बुक्स रखे हैं, कैट बैट ट्रैट वाला, उससे आप शुरू कीजिएगा। जी मैम। ठीक है, और हिंदी में भी वैसे जैसे एक आ मात्रा ई मात्रा वाला जो बुक्स है ना, उससे आप शुरू कीजिए, फिर आप मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में बताना, नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन होगा दैट टाइम यू। मैम उसके अलावा मां से कहिए कैमरा ऑन करे और जब रीडिंग करवाया करें तो उसमें पार्टिसिपेट करे। हिंदी में जैसे मैं रीडिंग करवा रही थी, जैसे रीडिंग करने के लिए बोला जाता है, थोड़ा बहुत कोशिश करें तो वो धीरे धीरे करने लगेंगे, शब्द पहचानने लगेंगे। हाँ, वो यही होता है कि सब्जेक्ट ये जानता है लेकिन उसको एकदम से बोल नहीं पाता, उसको गलत बोलता है फिर बाद में सही बोलता है, पहले ही उसको गलत ही बोलेगा और पहचानता नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चा, बच्चे में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही डेवलप होगा। जी जी, वो इसीलिए गलत बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और हम करेक्ट करेंगे, लेकिन उसको बोलना बहुत जरूरी है, गलत किया सही जो भी है बोलना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आप बोलो, मैम कुछ नहीं कहेंगे, आप भी थोड़ा सा कर लीजिए, बच्चा आपके पास बैठा है, बोलने की जो तुम्हारे मन में है बोलो, वो सही है गलत है बात है, गलत तो हम ठीक कर देंगे, हम टीचर्स और आप लोग साथ मिलके हम इसको सही कर देंगे, है ना मैम? तो हम दोनों के साइड से सपोर्ट बच्चे को चाहिए। लेकिन बच्चे को ये बोली कि कैमरा ऑन करके बैठे और फुल टाइम ध्यान दे फिर क्लास में। जी मैम। हाँ, ये कैमरा बंद होती है, कैमरा बंद करके बैठते हैं। हाँ हाँ, कुछ पता नहीं चलता, कैमरा ऑन रखना। जी मैम। यस ओके साईराम। यस अनुज जैन। साईराम। साईराम। यस मैम। अनुज जैन ना। यस मैम। कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं सामने आते हैं, तो मुझे ही पूरा सुन के पढ़ाना पड़ता है बाद में। नहीं, वो थोड़ा सा आप उसको हैबिट डेवलप करिए कि उसको खुद से सुनना है और खुद से रिस्पांस करना है, क्योंकि मैं कहती हूँ पर मेरा क्या है, मैम 5 मंथ चल रहा है, मैं ज्यादा से चिल्लाती हूँ फिर भी बहुत परेशान करता है। ओ, मैं तो तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। ये आपको थोड़ी सी हैबिट डेवलप करना पड़ेगा उसकी, वो खुद सुने टीचर्स क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं और खुद रिप्लाई कैसे करना है, वो थोड़ा सा आप उसको गाइड करोगे। साथ निकाल देता है फिर मैं ही पूरी सुन के फिर इसको बाद में पढ़ाती हूँ। मैम आप समझा दीजिए, सुन रहा है। यस अनिरुद्ध, कैमरे के सामने आओ। साईराम, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध,
खाएगी नहीं है? खाना खाने की नहीं अनुरोध? खाया खाना खाया मैम, मैंने खा लिया। खा लिया, अच्छा चलो मैडम की बात सुनो, शशि मैडम की बात सुनो। यस अनुरोध, सिट प्रॉपरली फर्स्ट, पहले तो ढंग से बैठो कि कैसे बैठे हुए हो और फिर कैसे बात कर पाओगे आप मैम से। पर मुझे तो नहीं दिख रहा यहाँ से कि आप अच्छे से बैठे हुए हो। स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट। देखो मम्मा को आपको पकड़ के बैठाना पड़ रहा है, इतनी साफ ढंग से नहीं बैठे हुए हो। क्लास में आपको रिस्पॉन्स करना है सारे सुनकर, क्या आपको आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको मैम की? ये सिखाओ, बोलो। ये मम्मा की क्लास थोड़ी है जो मम्मा अटेंड करेगी और फिर आपको रिप्लाई करेगी आप पीछे से और मम्मा आप खेलते रहोगे। आपको खुद को अटेंड करना है और सुनना है कि सारी मैम लोग, सारे सब्जेक्ट टीचर्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कल मंडे से मैम ये नोटिस करेगी आपकी एक्टिविटी सारी। ठीक है, और मैम ये रीडिंग तो कर लेता है हिंदी की, इंग्लिश की स्पेलिंग बोल के ही करता है। अच्छा, तो थोड़ा सा उसको और मैम थोड़ी केयरफुल नहीं है कि जैसे सब बच्चे फटाफट कर रहे हैं, आता है तो भी नहीं बताना नहीं करना। वैसे तो क्लास टू में तो अच्छा कर रहा था। हाँ तो मैम करता तो है ऐसी, पर क्या मन में पढ़ाई के प्रति द्वेष भावना सी भर रखी है। है तो थोड़ा ध्यान देना तो मैम, होशियार तो है मैम, थोड़ा आप समझा दीजिए, शायद आपकी माने तो देखो। ठीक है, अभी क्लास नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे उसको। आप भी थोड़ा सा उसको सही, मतलब वो लेटा लेटे नहीं, क्लास लेते समय लेटे नहीं, ठीक से बैठ के एक जगह में। आप जाएगा दूसरे रूम में चला जाएगा। नहीं वो तो अभी उधर आके हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। उसके फादर को बिठाइए साथ में आप। अच्छा ठीक है मैम। मैम ये इंग्लिश में ना जैसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं बताती जाऊंगी तो आप हमें समझा दो, फिर हम आंसर बता देंगे। किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, मम्मी को या पापा को। पापा तो कह रहे थे यार तुम ही करो मैम। कोई बात नहीं, मंडे से अनिरुद्ध टाइम क्लास ज्वाइन करेगा है ना। हां अनिरुद्ध स्कूल साइराम, स्कूल यूनिफॉर्म में भी बैठेगा। साइराम साइराम अनिरुद्ध टाइम से ज्वाइन करना है। हाँ साइराम बेटा, ओके अनिरुद्ध ज्वाइन करेगा कल मंडे से ना, टाइम से क्लास ज्वाइन करेगा और आंसर भी देगा। मैम को देखो, बोलो मैम। अनिरुद्ध साइरा करूंगा, बहुत अच्छा बच्चा है ना अनिरुद्ध, बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी कहना मानता है ना। को नहीं मैम को देखो, मोबाइल खुद पकड़ो। बोलना क्या है कि मैम मैं क्लास ज्वाइन करूंगा कैमरा ऑन करके। मैम मैं क्लास ऑन करूंगा कैमरा ऑन, इसमें देख के बात कर। मैं क्लास ऑन करूंगा कैमरा ऑन करके, प्रॉमिस। ओके 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 मैम, थैंक यू। Yes, yes, ma'am. Welcome to all the parents for joining the meeting. Now we will come to the meeting. Shanti Bhat. Shanti, 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 Shanti. Sairam, thank you very much. Thank you all the teachers and parents.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू बेटा सायरा सायरा मैम सायरा मैम थैंक यू मैम सायरा सायरा मैम थैंक यू मैम सायरा मैम थैंक यू मैम सायरा वेलकम मैं तो ये एनिमेट कर रही हूं